चलो यार फिर लद्दाख चले, ये ले ले दोनों। रिएक्शन देख सकते हो भाई के। एक चीज करूं क्या? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गुरमन व्लॉग्स। तो कैसी अपनी जी नेशन, आई होप यू ऑल आर गुड फिट एंड फाइन। तो भाई टाइम हो रहा है इवनिंग के कुछ 5:30 और आज है भाई सैटरडे, और सैटरडे को तो भाई जाम मिलना ही मिलना है, और वही हुआ। और कैसे हो, बढ़िया हो? किस नाम से मेरा चैनल? गुरमन व्लॉग्स। तो यहाँ पे मिल गए थे भाई एक छोटे से क्यूट से सब्सक्राइबर, फटाफट यहाँ से निकले क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। इट्स नॉट अ लीडर क्लास बाइक, बट हाँ अपने सेगमेंट में यार ये बाइक किंग है। और तो साथ ही साथ लुक तो आपको पता ही यार इसकी कितनी ज़्यादा सही है, इसके इतना चमका के नहीं रख पाता, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब यहाँ ये रेड लाइट कितनी लंबी है यार। तो आपने रिएक्शन देखा होगा यार, R15 पे भी ना काफी लोग सोचते हैं ये R1 जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को नई नॉलेज ना वो भाई नहीं समझ पाते इस चीज को। कई बंदे S1000RR को सोचते हैं ये R15 है। बहुत से लोग जो है ना भाई सिर्फ साउंड से और लुक से जज करते हैं बाइक को, उनको पावर से कोई लेना देना नहीं है। और बाइक पे क्या लिखा है ना उन्होंने वो पढ़ना है, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि लुक कौन सी बाइक जैसी लग रही है। और इसी चक्कर में भाई अच्छे अच्छे बंदे जो है ना अपने हाथ की नस काट लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी बाइक है जिसको देख के लोग बहुत जल्दी पहचानते हैं, वो है सुजुकी हायाबुसा। आज फिर से लद्दाख, चलो यार फिर लद्दाख चले, बैठो। सो भाई आज हम फिर से लद्दाख जा रहे हैं। जब भी यार ऐसे छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिलते हैं मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है यार इंटरेक्ट करके लोगों से। एंड भाई एक कमेंट आया था, मैं वो यहाँ पे पिंग कर दूंगा। भाई आप इतनी शॉपिंग क्यों करते हो, आप ऑलवेज रेडी क्यों रहते हो? देखो जब भी आप अपने आप को अप टू डेट रखोगे, अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनोगे, उससे क्या होगा कि भाई आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। कहते हैं लुक गुड फील गुड, अगर आप अच्छे दिखोगे तभी आप अच्छा फील भी करोगे। और फिजिक वगैरह मेंटेन करना भी इसीलिए ज़रूरी होता है कि देखो यार जो एक पतला बंदा होगा ना उसको हमेशा यही चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से खाती रहेगी कि यार मैं कितना पतला हूँ, मेरे बाइसेप्स कितने पतले हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहेगा। जो बंदा अपनी केयर नहीं करता होगा, अपनी स्किन की केयर नहीं करता होगा, उसको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा गिल्टी फील होता रहेगा अपना। और अपनी हेल्थ का जो है भाई अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अच्छे न्यूट्रिशंस के साथ। ये एक छोटा सा कारण है मैं हमेशा अपने आप को जो है अप टू डेट रखता हूँ और हमेशा जो है अच्छी क्लोथिंग वेयर करता हूँ। अभी हम जा कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं भाई शॉपिंग करने। और ये बात जन्नत को नहीं पता, उसका बर्थडे आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही हम अच्छी सी शॉपिंग कर लें। तो अभी चल के देखते हैं क्या क्या पसंद आता है, ज़ारा से ही परचेज करें क्योंकि ज़ारा यार हमारा फेवरेट ब्रांड है। मैं तो ऑलमोस्ट आपने देखा ही है सारा कुछ ज़ारा से ही पहनता हूँ, और कुछ प्रॉब्लम साइज वगैरह में भी आए तो ईजिली जो है एक्सचेंज भी हो जाता है। अभी चल रहे हैं भाई सीधा हम यहाँ से एरो सिटी। जिन्होंने एरो सिटी नहीं देखी आज मैं चल के आपको दिखाता हूँ एरो सिटी कैसी है। इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना भाई, मजा आएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। अपनी R15 में एक चीज की क्या प्रॉब्लम है, जब भी हम बाइक को ऑन करते हैं तो फ्यूल के जो पॉइंट्स है वो नहीं शो करता कुछ टाइम तक, और उसके बाद जो है भाई थोड़ी देर बाद ही जब थोड़ी देर इसको चलाओ 5-10 मिनट तो उसके बाद इसके फ्यूल के जो पॉइंट्स है वो आ जाते हैं। तो क्या आप लोगों की बाइक में भी भाई ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जरूर बताना, नहीं तो मैं अपनी बाइक का जो एक बार चेकअप करवाऊंगा। और जो सब्सक्राइबर अभी हमें मिला था यार, वो हमें देखने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उसको हमारा नाम ही भूल गया, हमारे चैनल का नाम ही भूल गया, तो वो सीन मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। बट ठीक है यार, लव इज ट्रू, प्यार सच्चा है, सपोर्ट बहुत अच्छा है आप लोगों का, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई, बहुत ही जल्दी 1 मिलियन भी होने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इस बार 1 मिलियन पे क्या लिया जाए, और मैं एक गिव अवे भी करने वाला हूँ बहुत बड़ा। जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपको गिव अवे में क्या चाहिए, क्योंकि भाई लोग मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आपने कभी भी गिव अवे नहीं किया, तो मैं चाहता था कि यार अगर मैं कुछ गिव अवे करूं तो कुछ ग्रैंड करूं, जो आपको मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूं। और अगर इसके अलावा भी कुछ आपको चाहिए हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहला ऑप्शन है अपना iPhone 13 Pro Max, सेकेंड ऑप्शन है रोहन प्रीत वाली साइकिल, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आए थे कि भाई साइकिल हमें भी चाहिए, इट्स अ ड्रीम साइकिल, बहुत ही पसंद आई थी आप लोगों को वो। और थर्ड अपना रहेगा मिनी डर्ट बाइक जो कि है 50cc की। तीनों की यहाँ पे पिक्स आ जाएंगी, एक बार देख लो भाई अच्छे से क्या चाहिए आप लोगों को, बता दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा गिव अवे को विन करने के लिए क्या करना होगा। बाकी ये वाला रूट यार मुझे बहुत सही लगता है कि यहाँ पे क्या है ना भाई सारी ग्रीनरी है, और यहाँ पे ना आते ही हवा जो है बहुत ठंडी हो जाती है। रिएक्शन देख सकते हो भाई के, लगता है भाई को पसंद आ गई अपनी R15। धूम मचा ले,
थर्ड गियर 110। बस भाई इससे ऊपर मुझे डर लगता है यार। ये बाइक जो है ज्यादा सीसी की नहीं है, तो इन बाइक्स में थोड़ा सा ये होता है टॉप स्पीड पे वाइब्रेशन आती है। और भाई हमारे साथ लगाने लग गए रेस, जो कि हम जो है नहीं लगाएंगे। यहाँ से नीचे से जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हमें सारा घूम के जाना पड़ेगा। सुपर बाइक्स होती हैं उनमें क्या होता है, जब हम उन पर टॉप स्पीड पे जाते हैं ना तो वाइब्रेशन नहीं होती, तो स्पीड का जो मायदा होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। वो बाइक अगर ये बाइक 100 की स्पीड पे चल रही है तो वो बाइक अगर 200 पे चल रही है तो वो फील सेम होगा, अगर आपका हेलमेट अच्छा है तो, क्योंकि आपको अंदर जो है भाई एयर का साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। और लास्ट टाइम भी जो मैंने व्लॉग करा, मेरे हेलमेट का मिरर थोड़ा सा ओपन था, जिस वजह से जो है भाई एयर का साउंड काफ़ी ज़्यादा आ गया, रॉक में जो है भाई इतनी ज़्यादा फील नहीं आ पाई। यहाँ से लेके वहाँ तक भाई पूरा स्टक है, बट शुक्र इस चीज़ का है कि हम जो है भाई गाड़ी पे नहीं है, बाइक पर है, नहीं तो हम पहुँचते 2 दिन बाद। आप लोगों के सारे कमेंट्स में रीड करता हूँ, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं भाई कि जन्नत पे ब्रेकअप प्रैंक करो, फूड चैलेंज करो, गोलगप्पे चैलेंज करो। तो यार ये सब चीज़ें भी करनी है, बहुत जल्दी वीडियोज आएंगी, थोड़ा सा एक बार हम अच्छे से रेगुलर हो जाएं। और अब धीरे धीरे वेदर भी जो है भाई बहुत अच्छा हो रहा है दिल्ली का। अब बिग बॉस में अपना एक दिल्ली का भाई आया प्रतीक सैजपाल, तो भाई सारे उसको वोट करो, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो भाई बिल्कुल रियल खेल रहा है। पूरे बिग बॉस में आपने देखा होगा भाई अकेले ही सबसे भिड़ जाता है, जो सही है उसके लिए वो लड़ेगा, चाहे उसके खिलाफ पूरा घर हो जाए। तो इसलिए भाई प्रतीक को वोट कर दो जाके फटाफट जल्दी से। और बिग बॉस इज वन ऑफ माय फेवरेट शो, जो कि मैं देखता हूँ भाई अच्छे से। देख लो भाई कैसे रॉन्ग साइड आ रहे हैं यार, ऐसे लोगों की वजह से हो जाते हैं एक्सीडेंट। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एरो सिटी, वर्ल्ड लैंडमार्क इज हेयर। एक चीज करूं, ओए ये क्या था, आपने तो डरा दिया मेरे को। ये तो मेरा काम है ना आपको डराना। तो यहाँ पे है अपना एक फेवरेट होटल द रोजेट हाउस, एंड भाई देख सकते हो आप अभी हम आ चुके हैं दुबई। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा फाइन है। बाकी लास्ट टाइम जब हम आए थे यार तो कोविड के चक्कर में ये बंद था, तो हम यहाँ से निकल गए थे थोड़ी देर रुक के। अभी करते हैं बाइक को पार्क, और ये है वर्ल्ड मार्क 1। वाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। ऑल लेदर? यस, ऑल ब्लैक। जैकेट बड़ी तो नहीं है? नहीं। ये ले लें दोनों, उसका बाद में करते हैं। गाइस जन्नत के लिए भी इसकी बिलिंग करवा लेते हैं।